Hello friends, welcome back to my channel. Athlete Akash, my name is Akash and I'm an athlete. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर रनिंग या एक्सरसाइज करते वक्त सांस फूले तो क्या करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अगर दौड़ते वक्त सांस फूल जाती है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कम स्टेमिना, गलत तकनीक या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या। इसे ठीक करने के लिए आप बहुत सारे उपाय अपना सकते हैं। सांस लेने की सही तकनीक। गहरी सांस लें, नाक से गहरी सांस अंदर लें और मुंह से छोड़ें। सांस की लय। दौड़ते वक्त अपनी सांस को अपने कदमों के साथ तालमेल में रखें, जैसे दो कदम चलने पर सांस अंदर लें और दो कदम चलने पर सांस बाहर छोड़ें। स्पीड पर ध्यान दें। दौड़ने की शुरुआत धीरे से करें और अपनी क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे गति बढ़ाएं। तेज दौड़ने से पहले अपना शरीर पूरी तरह से तैयार करें। वार्म अप और कूल डाउन करें। दौड़ने से पहले 5-10 मिनट तक हल्का वार्म अप, स्ट्रेचिंग और जॉगिंग करें। दौड़ के बाद 5-10 मिनट तक हल्की वॉक करें ताकि आपकी हार्ट रेट सामान्य हो सके। स्टेमिना बढ़ाएं। नियमित दौड़ने से आपका स्टेमिना बढ़ेगा। शुरुआत में छोटी दूरी से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे दूरी और गति बढ़ाएं। क्रॉस ट्रेनिंग जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग से भी आपकी सहन शक्ति बेहतर होती है। पानी और आहार पर ध्यान दें। दौड़ने से 30 मिनट पहले पानी पिएं। सही आहार लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का अच्छा संतुलन हो ताकि शरीर को ऊर्जा मिल सके। स्वास्थ्य जांच करवाएं यदि आवश्यक हो। अगर दौड़ते वक्त हमेशा सांस फूलती है, सीने में दर्द या चक्कर आने लगते हैं या अस्थमा जैसी कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। सही तकनीक और नियमित अभ्यास से आप इस समस्या को काबू कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से कुछ हेल्प हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।